दोस्तों, अगर आप बेडरूम में वार्डरोब बनवा रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। कभी भी वार्डरोब अगर बनवाएं तो जो आपकी जो घर की जो सीलिंग हाइट है वो पूरी ऊपर तक लेके जाएं। जैसे बहुत से होते हैं कि 8 फीट तक ही बनवाते हैं, नीचे तक ऊपर गैप छोड़ देते हैं। तो कभी भी आप वार्डरोब बनवा रहे हैं तो सीलिंग की जो हाइट है पूरी ऊपर तक लेके जाएं। और क्योंकि ऊपर की जो स्पेस रहेगा, जैसे अब यहाँ देखो बनाया हुआ है, इसके अंदर ऊपर आप कोई भी स्टोरेज रख सकते हैं अपना सामान। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं, पुल आउट है ये हमारे हैंगर कपड़ों के लिए। ये जरूर लगवाएं क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हाथ नहीं पहुंच पाता है, तो ये हम इसको लगा के अपना इसको इजीली यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, तो ये दोस्तों ये जरूर लगवाएं अपने अलमीरा में। और आपके ये दराजे हैं, दराजे होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी में बनवाएं। और दोस्तों, अलमीरा बनाते समय जब भी आप अलमीरा बनवा रहे हैं बेडरूम के अंदर, जो इसके जो पीछे का फेस होगा, पीछे की दीवार में, अगर यहाँ पर अगर आप कमर्शियल टाइल लगवा रहे हैं तो कमर्शियल टाइल लगवा दें, बहुत अच्छा होगा। और पीछे की तरफ में एंटी टर्मिनाइट जरूर कराएं। एंटी टर्मिनाइट कराने से क्या है दोस्तों, जो आपके पीछे की जो अलमीरा के पीछे अगर दीमक का जो होगा डर, वो नहीं होगा, आपका दीमक नहीं लगेगा। तो ये एंटी टर्मिनेट कराना जरूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। अब देख रहे हैं क्या नज़ारा है अलमीरा का। यहाँ भी एक पुल आउट दिया हुआ है। दोस्तों, अलमीरा जो बनाएं अच्छी क्वालिटी की प्लाई का ही यूज करें, लोकल मत यूज करें। लोकल यूज करने से क्या है, जो हमारा कब्जे होते हैं वो निकल जाते हैं। अभी हमने अच्छे हैटिस के कब्जे यूज किए हैं और हाई ग्लोस में हमारा ये मटेरियल यूज हुआ है। आप देख पा रहे हैं, इसी तरह हमने ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। आप इसमें भी आप स्टोरेज कुछ रख सकते हैं।